आइए आज दर्शन करते हैं बाबा गोविंद साहब का और देखते हैं यहाँ के माहौल के बारे में। आपको बता दें कि गोविंद साहब का मेला 24 तारीख यानी कि दसवीं से शुरू होने वाला है, लेकिन माहौल कुछ इस तरह सा दिख रहा है। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन अभी देखिए आया हुआ है निगरानी के लिए, देख रेख के लिए कि कैसे किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाएँ। SDM साहब भी आए हैं। और दूसरी बात ये है कि अब की पिछली बार जैसा मेला नहीं लग पाएगा। इस विश्व प्रसिद्ध मेले बाबा गोविंद साहब जी का जो लगता है पिछली बार की तरह अब की बार नहीं लगेगा, कोरोना की वजह से या फिर कह लें किसी और कारण से भी, लेकिन मुख्य वजह COVID-19 ही बताया जा रहा है। और अब की बार झूला लगने की या फिर ब्रेक डांस लगने की या फिर मौत का कुआं लगने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। आगे आप सीन में देखेंगे कि वहाँ जिस जगह कुआं लगता था मौत का, या फिर बड़ा वाला झूला लगता था, छोटा झूला लगता था, या फिर ब्रेक डांस लगता था, वो जगह खाली पड़ी हुई है। जबकि पहले के जो मेले लगते थे उसमें व्यवस्थाएँ महीनों से पहले ही शुरू कर दी जाती थी। और आपको बता दें कि इस बार जो बाबा का पोखरा है उसमें स्नान नहीं करने दिया जाएगा किसी को भी, बाहर से ही लोग जाके अपना पैर धुलेंगे, नल से, कुएं से नहीं, पोखरे से नहीं, और फिर दर्शन करेंगे। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये देखिए अभी हम लोग गोविंद साहब में हैं और देख रहे हैं दुकानें लग रही हैं, और हम लोग घूमने आए हैं मेले के पहले ही। और देखिए साथ में है सभी लोग दोस्त हमारे, और आज दर्शन हुआ बाबा जी का। ये देखिए दुकानें अभी लगना प्रारंभ हुई हैं, शुरू हुई हैं। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ झूला लगता है, ब्रेक डांस लगता है, और मौत का कुआं भी एक लगता है, लेकिन मेले का जो समय है, जो तारीख है, वो निकट आ गया है। अभी वैसा कोई सा दिख नहीं रहा है आसार कि यहाँ झूला लगेगा। ये वहाँ के हमेशा रहने वाली दुकानें हैं जो हमेशा लगी रहती हैं, सागर स्वीट हाउस। चलो इधर से। छोटा टैंक लगा दुआ है, टांडा मैंने पूरा कर दिया।